ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन चौकी है, एक माता रहेंगी एक चौकी पे नौगरा बनता और एक चौकी पे क्या बनता है, सोलह माता कुछ बनता है। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ कलश भी रेडी हो चुका है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे चावल काला कलर का है, अभी नवग्रह बनेगा ना, उसके लिए चावल सारा रंग कर हमने रख लिया है। और ये देखिए अखंड दीप, और यहाँ अखंड दीप में घी भी डाल कर रख लिया गया है। और यहाँ फूल भी आ चुका है, पंचामृत भी बनाकर रख लिए हैं। और ये देखिए, ये सारा पूजन सामग्री है जो कि एक जगह हमने इकट्ठा करके रख लिया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर करने में बहुत ये होता है, झंझट लगता है, तो हमने सारा कुछ एक जगह ही अरेंज करके रख लिया है। तो यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, इसमें भी फूल आ गया है। ये माला है माता रानी का, और ये कलश पे चढ़ता है गेंदा की फूल। और यहाँ देखिए, यहाँ फल सारा धोकर रख लिया गया, और ये चावल जो कि हल्दी में इसे रंगा गया है, क्योंकि वाइट चावल नहीं चढ़ता है माता को। और यहाँ भोग के लिए भी हर कुछ इसमें डाल के रख लिया गया है, देख लीजिए इसमें भी फल, पांच फल चढ़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब कुछ रेडी है, बस पंडित जी का आने का देर है। अब पंडित जी आएंगे और पूजा स्टार्ट होगा। ये है नित्या, नित्या कुछ बोलो। हाय। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, जब पंडित जी आएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। ये क्या कर रहा बाबू, छोड़ दो, पूजा का सामान है ये, लोहा वाला दे देते है ये बाबू, सब लगा इसे लोहे वाला दी है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि पंडित जी आ गए हैं। अब कलश स्थापना होगा, पूजा स्टार्ट होगा। तब देख लीजिए पंडित जी आ गए हैं और कलश की तैयारी कर रहे हैं, कलश स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। और कलश के अंदर जो भी कुछ जाएगा वो सब एक जगह रख लिए हैं, फिर उसके बाद सब डाला जा रहा है, देख लीजिए। उसके बाद उसमें आम का पल्लव और गुल्लड़ का, मतलब बहुत सारा कुछ कुछ ऐसा होता है जो सब उसमें डाला जाता है, देख लीजिए। यहाँ आम का पल्लव भी है और गुल्लड़ का है, कुछ और भी बोला जाता याद नहीं आ रहा, पीपल का भी है, हाँ पीपल का भी इसमें लगता है। तो वो सब हुआ। और यहाँ पे फिर पंडित जी ये क्या बना रहे, नौगरा बना रहे हैं, देखिए। यहाँ देखिए कलश स्थापना हो रही है, यहाँ पे रखा गया है, तो काम कर छत रख लिए हैं, एक किलो अच्छा दूध पिला दो, दीपक वहाँ रखिए, चावल रख करके, चावल नीचे चावल रखिए, फिर बंद करो पंखा, पंखा बंद कर दो। पंडित जी थोड़ा तो काम सब आसान कर देते हैं, हाँ जी है, हाँ सब यही है, कहाँ रांची में, कहाँ बुटी में, आप डेली बुटी में से अप डाउन कीजिए, हाँ बताइए क्या करना ही पड़ेगा बाबा, हाँ सौ बार क्या बात कर लिए थे, तो आना ही पड़ रहा है, हाँ तो आना ही ना पड़ेगा, आप करवाते हैं शुरू से तो आप ही को कराना,
तो है महावीर नगर में मंदिर, महावीर नगर है वहाँ कुछ। हाँ महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बस चार चार पांच चार से स्नान कराइए। ओम त्रिपादो देवदेवुर्भः पादो से भवद्गुणः ततो विग्बं विग्राम शासनान सनेयभि पाद्योपादं जलं समर्पयामि। हस्त्योरकं मुखे याजुनीयं सर्वांगे सुस्नानीं जलं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए। पंच नद्यः सरस्वतीमपि अन्तिस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदशो देशे भवत्सरिता। मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृतांते पुनः शुद्धोदक स्नान शुद्ध जल से स्नान कराइए। आपो हिष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे वस्त्रो भवस्त्रान्ते रक्त सूत्रान समर्पयामि। सुजातो ज्योतिकासा सर्मवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपकं साम्य विश्वाभिभावसो वस्त्रो वस्त्रान्ते रक्त सूत्रं समर्पयामि। वर्जन छोड़िए। वस्त्रान्ते पुरा प्रत्यास्वाहिं जलं समर्पयामि। जनेयं चढ़ाइए। जनेयं दीजिए। देव्या देव्या द्रष्टा